हाँ जय हिंद, यह वीडियो आपका असम राइफल के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन यह वीडियो आपको असम राइफल के यहाँ है तो बहुत देखना जरूरी है, नहीं है तो तब भी देख लीजिए, ठीक है। आप असम राइफल में किस चीज़ का फॉर्म भरे थे? ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का ना, जिसे रेडियो ऑपरेटर आप बोल रहे हैं, सुखोभी जोहरट में गया, सुखोभी में यूपी बिहार वालों का और जोहरट में बाकी स्टेट का गया, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। और तब अब मैं इस वीडियो में क्या बात करने जा रहा हूँ, आपका BSF में मैं फिलहाल नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन तो इस स्पेशल वीडियो में आकर के बता रहा हूं, अभी टाइम का थोड़ा कमी है। तो आपको क्या करना है कि BSF का फॉर्म आया है, RO रेडियो ऑपरेटर और RM रेडियो मैकेनिक का, दो पोस्ट है, दोनों फॉर्म आया है, जिसमें का आपका वैकेंसी अभी बता देता हूँ सब चीज़ के बारे में। आपका क्या है कि इस फॉर्म को जा करके आप जरूर फिल कर लीजिए, अगर आप रेडियो ऑपरेटर वाला अगर फॉर्म फिल किए हैं असम राइफल में तो आप एलिजिबल हैं डेफिनेटली जाने के लिए, किसमें? BSF का यह फॉर्म फिल करने के लिए। और यहीं पे मैं पॉइंट को ऐड कर देता हूं कि अगर आप वहां पे हाइट में अगर आप छट रहे हैं 170 सेंटीमीटर उसमें मांगा है, आपका हाइट 169-168 है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए अच्छा मौका है। BSF में 168 सेंटीमीटर आपको हाइट मांगा है, आप उसमें जाइए और मेहनत करिए, पहले उसमें रिटर्न होगा, रिटर्न की तैयारी करिए, सब कुछ इसमें मैं वीडियो में बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20 अगस्त से शुरू हुआ है, आज आपका कितना है 2 सितंबर जो भी है 19 सितंबर 2022, यानी बहुत कम दिन बचा है, जाके आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में दोनों में पोस्ट आया है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, उतना भी नहीं है, 982 है, जिसमें 75% आप निकाल लीजिएगा, और 330 पोस्ट है रेडियो मैकेनिक में, उसमें से आप 75% निकाल लीजिएगा डायरेक्ट एंट्री यानी सिविलियन के लिए, और बाकी सारी जो है डिपार्टमेंटल और एक्स सर्विसमैन और कंपेसिनेट अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्व किया गया है। OMR बेस आपका पेपर होगा, फेज वन सबसे पहले आपका रिटर्न है, OMR बेस पे होगा, आपको लेकर के गोला करना रहेगा। और आपका ये एग्जामिनेशन डेट कब है? 20 नवंबर 2022 को, देख लीजिए अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर आपका आ ही गया है, नवंबर 2022 को आपका दोनों लोगों का पेपर है, RO RM का 9 बजे से सुबह, या आप जान लीजिए सुबह में RO वालों का है, शाम को RM वालों का यानी दोपहर में, और फिर उसके बाद PST PET डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें डिक्टेशन उक्टेशन होगा, उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। आप इतना अच्छा से जान लीजिए कि इस फॉर्म को जा करके पहले फिल कर दीजिए, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, 250 का क्वेश्चन पेपर होगा, और आपको 10th पास और फला फला जो ट्रेड है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो PCM ऐसा मैं बता दिए जो असम राइफल के अगर आप फॉर्म फिल किए तो आप एलिजिबल है। 18 से 25 साल सेम एज है, वही है, हाइट 168 सेंटीमीटर, जाइए फॉर्म को फिल कर लीजिए। मैं टेलीग्राम पे फुल नोटिफिकेशन 21 MB का है उसको भेज दिया और उस पर लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जा करके आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि असम राइफल में काफ़ी ज़्यादा सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होने वाले हैं, अब बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है, तो आपको एक मौका मिल गया है, आ गया, उसी के साथ में हाथ लगा लीजिए, अजमा लीजिए, और जितने भी कैंडिडेट हो RO ये असम राइफल के फॉर्म फिल किए हो, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए भैया, जाकर के भर दीजिए, और जो लोग नहीं भर रहे हैं उन लोगों का क्या कहना है, भरना है भर लीजिए, नहीं भरना है तो ये आपके हाथ में है। चलिए ठीक है, अभी मैं इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि वैकेंसीज के जो आपका स्ट्रैटेजी रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग उससे जुड़ता हूँ टेलीग्राम से, मेल से, यूट्यूब से, कमेंट से, ठीक है। जय हिंद।